ब्लेडलेस फैन या ब्लेडलेस हेयर ड्रायर जो होती है उसके अंदर ये मोटर लगी होती है। तो मैंने सोचा इसे हम भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हेयर ड्रायर मोटर के नाम से आप इसे सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, चाइना की वेबसाइट अली एक्सप्रेस के ऊपर आपको मिल जाएगी। और दिखने में ये काफ़ी ब्यूटीफुल है, जैसे कि ये कोई जेट इंजन हो। वाह, CNC प्रोपेलर है इसका, CNC मशीन से बनाया हुआ। और यहाँ ब्रशलेस मोटर है जिसके अंदर 6 कोर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 6 कॉइल्स आपको नज़र आ रहे हैं, जिनके पॉइंट्स ये रहे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। कंबाइन करें तो ये 3 बनते हैं, 3 यानी कि यहाँ 3 पॉइंट्स आ गए, आप देख सकते हैं, 1, 2 और ये 3। और इसे चलाने के लिए डेफिनेटली आपको पता है ESC चाहिए होगी, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर ब्रशलेस मोटर को कंट्रोल करती है। और ये इसके साथ इसके अंदर लगे हुए आए थे, जिस तरीके से ये यहाँ पर लगा हुआ है। प्रॉब्लम ये थी कि शिपमेंट के दौरान इसकी सोल्डरिंग यहाँ से टूट चुकी थी, तो यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग करने की कोशिश की है और इसके दौरान मुझसे एक ESC लगभग ख़राब हो गई है तकरीबन, क्योंकि ये सोल्डरिंग एक पॉइंट यहाँ से ऊपर से नहीं करनी, बल्कि हमें अंदर की तरफ से भी इससे कनेक्टिविटी बनानी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाली मोटर है हमारे पास, इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड से कनेक्शन होने चाहिए बराबर से, क्योंकि इस बोर्ड के पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं कंपोनेंट लगे हैं और आगे भी। इनो वायर्स बोर्ड के इस वाली साइड से भी कनेक्टेड होने चाहिए और इस वाली साइड से भी। इसको पावर देने के लिए ओरिजिनली यहाँ पर 3 वायर हैं, आप देख सकते हैं, जिसके बारे में आपको कोई रेफरेंस, कोई आपको इसकी डायग्राम, कोई इसका डेटा शीट आपको नहीं मिलेगी मार्केट में। ऑनलाइन मैंने काफ़ी सर्च किया इसे किस तरीके से पावर देना है, टेक्निकली तो लग यही रहा था कि ये ब्लैक वाला नेगेटिव है और रेड वाला पॉजिटिव है, लेकिन नहीं, इसे चेक करने के बाद, काफ़ी रिस्की शॉट्स लेने के बाद, मतलब टेंशन ये हो रही थी कि मैं इनमें से किसी और में गलत पावर दे दूंगा और ये मोटर यहाँ पर इसका ESC डैमेज हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। इसके अंदर एटलीस्ट इतनी प्रोटेक्शन थी कि रिवर्स पोलैरिटी देने के बाद भी ये ESC ख़राब नहीं हुई मुझे, क्योंकि ये काफ़ी चीप मिली है। अगर यहाँ तक भी मिले तो मैं इसके अंदर हमारी ब्रशलेस मोटर का जो ड्राइवर होता है वो लगा कर इसे ऑपरेट करने की कोशिश करूँगा, तो मैंने इसीलिए इसे रिटर्न नहीं किया। हालांकि चारों डैमेज सोल्डिंग के साथ पहुँची थी और ये ऑपरेट नहीं हो रही थी। फिर मैंने इस तरीके से इसके ऊपर वायर सोल्डर किए, बोर्ड इससे अलग किया और इसके अंदर वायर यहाँ पर प्रॉपरली सोल्डर किए। यहाँ 2 मोटर्स रेडी हैं और इसे हम चेक करेंगे कि ये किस तरीके से चल रही है, इनका साउंड और ये हवा कितनी देती हैं, कितना इसके अंदर पावर है, कितने एम्प्स खाती है ये इतनी सी मोटर टाइनी, आप देख सकते हैं मेरे हाथ के सामने इसका साइज़ कंपेयर कर सकते हैं। और इसका कंपैरिजन मैं कराऊंगा आपको N20 गियर मोटर के साथ, बिल्कुल छोटी सी। और इसका वेट भी आपको चेक कराएंगे, लेकिन पहले चलते हैं इसकी टेस्टिंग की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 वायर कर दिए हैं इंस्टेड ऑफ 3, जैसे कि ओरिजिनली यहाँ पर 3 वायर्स थे, आप देख सकते हैं इस वाली में। तो बेसिकली हो ये रहा है कि आपने ब्लैक एंड ब्लू को साथ में जोड़ देना है और रेड पॉजिटिव हो जाएगा, ब्लैक एंड ब्लू नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ यहाँ से जोड़ने के बजाय मैंने बोर्ड के ऊपर ही, आप देख सकते हैं, ये दोनों पॉइंट्स को सोल्डर कर दिया है, ठीक है। तो अब ये ऑपरेटेबल हो गई, तो आइए चेक करते हैं इसे। और इसे चेक करने के लिए हम पावर सप्लाई लेंगे, पावर सप्लाई को स्विच ऑन कर देते हैं। अच्छा, ये 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेटेबल है, तो मैं इसे 12 वोल्ट करता हूँ, आपको दिखाऊंगा 12 वोल्ट पे लगाते हैं तो देखें क्या होता है। 3, 2, 1 आपके सामने है, ये देखें किस तरीके से करके रुक जाती है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, मैंने बहुत सर्च किया, मुझे कुछ नहीं मिला ऑनलाइन, अली एक्सप्रेस के ऊपर इसकी कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है। अब ये स्टार्ट क्यों नहीं रही मैं आपको बताता हूँ, ये स्टार्ट होती है 6 वोल्ट पर बेसिकली, सो लेट्स ट्राई, 6 to 7 वोल्ट पर स्टार्ट होती है, चेक कर लेंगे। अब देख सकते हैं 6 वोल्ट पर ये स्टार्ट हो गई है और इसका साउंड रियल जेट इंजन जैसा है। ज़बरदस्त पावर है इसकी, 6 वोल्ट के ऊपर इसका ये साउंड है भाई साहब, और इस वक्त ये 1.8 एम्प ले रही है। एम्प हमने 5 एम्प तक रखे हैं ताकि जितना इसे चाहिए उसमें ले ले,
अब इसके बढ़ाकर देखते हैं इसकी स्पीड कितनी है। 8 वोल्ट, 9, 10, 11, 12। ये मेरे हाथ से निकल के भाग जाएगी। ओ माय गॉड, काफ़ी तेज़ हवा है, आप देख सकते हैं। माइक मेरा काफ़ी दूर है, लेकिन काफ़ी दूर माइक होने के बाद भी ये आप देख सकते हैं। और इसकी सक्शन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये आप देख सकते हैं 14-15 वोल्ट तक चल जाती है आराम से, 14 करके देखेंगे। यहाँ पर ये सीसी बता रहा है, एम्प कम पड़ रहे हैं इसे, 7 एम्प कर देता हूँ। 15, 16, 17 से आगे नहीं जाती है। ओ भाई साहब, खतरनाक चीज़ है ये। तो ये आप लोगों को कैसी लगी? और ये हल्की हल्की गर्म होने लगी क्योंकि मैं इसकी रेटिंग के हिसाब से नहीं चला रहा था इसे। वायरिंग ये बर्दाश्त कर लेती है, ये सिलिकॉन कोटेड वायर है, ये काफ़ी लोड उठा लेती है। हैवी वायर, हैवी गेज यहाँ पर मैंने यूज़ किया है, जबकि ओरिजिनल वायर ये रहे हैं इसके। अब यहाँ पर ये जो ESC है, ये थोड़ी थोड़ी गर्म होने लगती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 चिप लगी हुई हैं छोटी छोटी, ये गर्म होती हैं असल में। और ये इसकी ऑपरेटिंग IC है, ये इतना गर्म नहीं होती। तो अब इसे लगाएंगे इसके स्लीव के अंदर और उसके बाद चेक करेंगे। और स्लीव में लगने के बाद ये बिल्कुल एक जेट इंजन जैसी लगती है। ये कुछ इस तरीके से लगेगी इसके अंदर। ओके, लेट्स ट्राई। 5 के ऊपर स्टार्ट नहीं होगी, 6 के ऊपर हमें इसे करना होगा। दोबारा से ट्राई कराएंगे आपके सामने। रेडी, 1, 2, 3, गो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पावर कितनी है। और ये इसके नॉर्मल वोल्टेज है 12, उसमें इसकी हवा देखें आप कितनी तेज़ है यार। कंपैरिजन के लिए ये पौधा है मेरे पास, एक और चीज़ आपके सामने, हवा की आवाज़ हटाने के बाद इसकी आवाज़ सुने तो इस मोटर की कोई आवाज़ नहीं है बेसिकली। मुझे डाउट है कि माइक का फॉर्म निकल कर इस फैन के अंदर ना चला जाए, क्योंकि इसकी सक्शन बहुत ज़्यादा है। क्या ताकत है भाई इसकी, ज़बरदस्त। ये उड़ने के लिए तैयार है, मेरे हाथ से छोड़ूंगा और ये उड़ जाएगी। फिलहाल ये घूम भी रही है क्योंकि इसके अंदर एयर फ्लो डायरेक्शन जो है ना इसकी, आप देख सकते हैं कुछ यूनिक इसकी डायरेक्शन है। तो हवा इसके अंदर कुछ यूं गोल घूमती हुई निकल रही है, तो ये इस तरह से घूमने के लिए तैयार है। जेट इंजन जैसी लग रही है मुझे तो, ख़ास तौर पे इस स्लीव के साथ, और इसे रिमूव करने के बाद तो और ही ज़्यादा कुछ यूनिक सी लग रही है ये। 10,000 लाइक्स अगर आप लोगों ने कर दी इस वीडियो के ऊपर, तो हम इससे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे डिफरेंट काफ़ी किस्म के, और इसे दूसरी ESC के साथ भी ट्राई करेंगे डेफिनेटली। वो तो चलेगी, ऐसे कोई मसला नहीं है, चल जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी मोटर आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। 6 वोल्ट से लेकर 17 वोल्ट तक आराम से ऑपरेट होती है, हल्की फुल्की गर्म होती है, वार्म होती है। स्पीड काफ़ी ज़्यादा, नॉइज़ काफ़ी कम है मोटर की, फ़ैन की डेफिनेटली नॉइस होगी हवा को कट करने की। और दिखने में काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे जेट इंजन पावर्ड आप एरोप्लेन बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि बोइंग 747, 777 मॉडल एयरक्राफ्ट बनाना चाह रहे हैं, या RC प्लेन के अंदर इसे लगा सकते हैं। और यूनिक प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे कर सकते हैं, जैसे कि आप ब्लोअर बनाना चाह रहे हैं, पावरफुल ब्लोअर, तो डेफ़िनेटली मंगाएं आप चाइना से। और अगर डैमेज आए तो कोई मसला नहीं है, आप इसे फिर भी यूज़ कर सकेंगे। इसका वेट तकरीबन 53 ग्राम्स है,
एंड विद स्लीव ओवरऑल 57.6 ग्राम। तो अगर ये तकरीबन 300 टू 500 ग्राम्स ऑफ थ्रस्ट पैदा कर रही है तो डेफिनेटली इसका काफ़ी कुछ बनाया जा सकता है। मेरे जहन में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको वो प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें इस चैनल को। हैव अ ग्रेट डे। DIY तहसीर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।